जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 से आज एक और नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने वायरस को देखा था कि वायरस कैसे सर्वाइव कर रहा था होस्ट के अंदर। जब होस्ट के अंदर एंट्री हो रही थी वायरस की, तो वायरस ने कैसे होस्ट के डिफेंस सिस्टम का सामना किया था। अब जबकि यहाँ पे वायरस जो है वो अपने होस्ट से बाहर है, एनवायरनमेंट में है, तो एनवायरनमेंट में भी काफ़ी स्ट्रेसेस होंगे, तो उन स्ट्रेसेस का ये वायरस कैसे सामना करेगा आज हम वो सीखेंगे। तो अगर हम फैक्टर्स देखेंगे जो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं, उसमें टेम्परेचर आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे म्यूकस नाक में बनता है, मुंह में बनता है, और फिसेस जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, और रेडिएशंस, रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्पेशली जो प्रोटीन का, जो वायरस का प्रोटीन होता है उसको डिसोसिएट कर देता है, और भी मुख्तलिफ अकसाम के जो रेडिएशंस हैं उनका जो इम्पेक्ट है वायरस के ऊपर क्या होगा, और उनसे वायरस कैसे सामना करेगा, कैसे इन हार्श कंडीशंस में वायरस सर्वाइव करेगा। ये सारे स्ट्रेसेस, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, और इनका सामना वायरस कैसे करेगा ये हम देखते हैं। नंबर वन, टेम्परेचर को हम देखते हैं। टेम्परेचर अगर अबो 60 सेंटीग्रेड होगा, अमूमन 60 सेंटीग्रेड से अगर ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो वायरस का जो प्रोटीन है उसकी डीनेचुरेशन होगी। मीन्स प्रोटीन जो है वो डीनेचर होगा, कि जो वायरस है, वायरस का जो कोट है, आउटर पार्ट है, वो प्रोटीन का बना होता है, यानी कि कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। इसकी डिसोसिएशन होगी, छोटे छोटे यूनिट कैप्सोमेर्स का कैप्सिड बना होता है, और वो कैप्सोमेर्स अलग हो जाएंगे तो कैप्सिड टूट जाएगा। हाई टेम्परेचर डैमेज देता है न्यूक्लिक एसिड को। वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, तो डैमेज देता है हाई टेम्परेचर किसको, न्यूक्लिक एसिड को। अब देखें वायरस इनमें सर्वाइव कैसे करता है। वायरसेस टेक शेल्टर, हिफाजत देता है, शेल्टर, ये जैसे छत है इसको भी हम शेल्टर कहते हैं, पनाह लेता है, प्रोटेक्शन करता है, कैसे, फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। उसके सराउंडिंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे शेल्टर ले लेता है, उससे पनाह ले लेता है, और हाई टेम्परेचर से बच जाता है। कैसे, जैसे अगर ब्लड है तो ब्लड की कैपिंग कर लेगा, ब्लड से शेल्टर ले लेगा, फीसिस जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उससे शेल्टर ले लेगा, या जो सलाइवा है मुंह में जो बन रही है उससे ये जो है शेल्टर ले लेगा। कंटाजियस एयरबॉर्न वायरस, हवा में जो कंटामिनेशन है वायरसेस की, उनमें कैसे सर्वाइव करेगा, स्पेशली जो एयरबॉर्न वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस, जो कि स्नीजिंग, जो छींक देते हैं हम या कफिंग करते हैं, खांसी लेते हैं, तो मुंह से और नाक से ये वायरसेस निकलते हैं, एयरबॉर्न वायरस, हवा में जो वायरसेस हैं, हवा में जो पैदा होने वायरसेस हैं, वो स्पेशली हमारे नाक से और मुंह से वायरसेस निकलते हैं, और ये इन्फेक्टेड करते हैं दूसरे लोगों को। दे यूजेस म्यूकस एंड सलाइवा, या नाक के अंदर बनती है म्यूकस, सलाइवा मुंह के अंदर बनती है, इससे ये कवरिंग करते हैं, इस कवर्स एंड बैरियर्स फॉर द एक्सटर्नल अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। जब आप छींकते हो, स्नीजिंग करते हो, या खांसी लेते हो, कफिंग करते हो, तो उस वक्त जब ये बाहर निकलते हैं वायरस, तो इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, या म्यूकस या सलाइवा की। दे एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम माउथ, माउथ से एक्सपेल आउट होते हैं, मुंह से निकलते हैं कफिंग जब खांसी लेते हैं, एंड नोज स्नीजिंग जब छींकते हैं, तो ये नाक से निकलते हैं, जब नाक से निकलेंगे तो ये म्यूकस की कवरिंग ले लेंगे, और जब ये मुंह से निकलेंगे खांसी की सूरत में तो ये सलाइवा की कवरिंग ले लेंगे, और ये कवरिंग इनको बचाएगी
ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे। नंबर थ्री, जो एयरबॉर्न वायरसेस हैं और उसका रिलेशनशिप ह्यूमिडिटी के साथ। ह्यूमिडिटी मीन्स परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। और अगर हम ह्यूमिडिटी के परसेंटेज को देखेंगे तो ये टेम्परेचर और टाइम के हिसाब से अलग अलग है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी कम होती है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। और टाइम के हिसाब से भी सुबह सुबह ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और दोपहर के वक्त ह्यूमिडिटी कम होगी। तो परसेंटेज जो वाटर वेपर्स के हैं ये डिफरेंट होते हैं, किस बेसिस पे, टेम्परेचर और टाइम के हिसाब से जो परसेंटेज है ह्यूमिडिटी के वो डिफरेंट होते हैं। वायरसेस सर्वाइव इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विदाउट होस्ट डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। अब होस्ट नहीं है, एनवायरनमेंट के बाहर है, अब ये ह्यूमिडिटी का कैसे सामना करेंगे जिसकी लेवल अलग अलग है। ह्यूमिडिटी मैंने बताया टाइम और टेम्परेचर के हिसाब से ह्यूमिडिटी की लेवल अलग है। जो लिपिड कवरिंग, लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है, जो एक्स्ट्रा कवरिंग जो कैप्सिड के बाहर होती है उसको क्या कहते हैं, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, इनवॉल्व्ड। इनवॉल्व्ड जो वायरसेस का है वो मोर डेंजरस है, मोर वल्नरेबल है, वल्नरेबल मीन्स डैमेज देन नॉन लिपिड वायरसेस। जिनके बाहर लिपोप्रोटीन की कवरिंग है उनके लिए ज़्यादा खतरा है डैमेज होने का ह्यूमिडिटी में, अगर एज कंपेयर करेंगे जिनके बाहर कवरिंग नहीं है, जिनके बाहर इन्वेलप नहीं है, लिपोप्रोटीन की जो कवरिंग है नहीं है। जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया और कोरोना हो गया, तो ये इसका सर्वाइव रेट ज़्यादा होगा या कम होगा, इनका सर्वाइव रेट कम होगा क्योंकि इनके बाहर क्या है, इन्वॉल्व डैमेज हो जाएगी ह्यूमिडिटी से, क्योंकि इनका सर्वाइवल रेट कम होगा। इनका सर्वाइवल रेट जो है वो क्या है, 20-30 है। और जो नॉन इन्वॉल्व्ड वायरसेस हैं जैसे एडिनो वायरस हो गया और रिनो वायरस हो गया, इनका सर्वाइवल रेट क्या है, 70-90% है, 70-90% है। वायरसेस नंबर थ्री, वायरसेस सर्वाइव इन द लाइट, वायरसेस सर्वाइवल एंड लाइट। लाइट का इम्पैक्ट वायरस पे क्या होगा, स्पेशली हम यहाँ पे उन वायरसेस की बात करेंगे जो वाटर लिविंग वायरसेस हैं। और वाटर लिविंग वायरसेस को हम एक्वेटिक वायरसेस कहते हैं। इन पे लाइट का इफेक्ट होता है, पर्टिकुलरली वो वायरस जो कि फाइटोप्लैंकटन वायरसेस है, हम अल्जी को कह सकते हैं जो पानी के ऊपर होती है, उन पे ये इम्पैक्ट करने वाले हैं। अब इनका टू वे इम्पैक्ट है लाइट का, लाइट का वायरस के ऊपर टू वे इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखेंगे तो जो लाइट है वो रिक्वायर होती है एक तो प्लैंकटन के लिए, प्लैंकटन जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी को वायरस यूज़ करते हैं अपनी रिप्लिकेशन के लिए। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। एंड ऑल्सो फॉर द वायरल रिप्लिकेशन साइकिल, वायरस रिप्लिकेशन साइकिल विच डिमांड हायर एनर्जी। वायरस जब रिप्लिकेट करता है उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जो इसका होस्ट है उसके पास अगर एनर्जी अवेलेबल होगी तो ये उसकी एनर्जी को यूज़ करेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वायरस के पास कोई मशीनरी नहीं होती है, कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ये होस्ट सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करता है और होस्ट सेल के एंजाइम्स के ऑर्गेनल्स सब को यूज़ करके अपना काम चलाता है। अच्छा, इसकी कुछ लिमिट्स भी होती है होस्ट के साथ, अटैचमेंट के साथ। अगर होस्ट जिंदा होगा, लाइट होगी तो होस्ट में खाना बनेगा, होस्ट सर्वाइव करेगा।
होस्ट जिंदा होगा तो उसके साथ अटैचमेंट होगी, अगर होस्ट ही सर्वाइव नहीं करेगा तो अटैचमेंट नहीं होगी। नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में स्पेशली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, इनका इम्पैक्ट होता है वायरल रिप्लिकेशंस पे। वायरल की रिप्लिकेशंस को ये रोक देते हैं, वायरल की डीएनए को, न्यूक्लिक एसिड को ये डैमेज कर देते हैं, और इसका लाइट का अल्टीमेटली अफेक्ट प्लांट पे भी है। अगर लाइट कम होगी या लाइट नहीं होगी तो प्लांट में कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, या फाइटोप्लैंकटन की यहाँ पे बात करें, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मीन्स एनर्जी नहीं बनेगी। नंबर फोर पॉइंट वायरस सर्वाइव की, पीएच फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द वायरल सर्वाइव। पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन्स। देखें प्रोटीन या एंजाइम की हम बात करेंगे, स्पेशली जो एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीनियस इन नेचर हैं, और एंजाइम मैक्सिमम काम करता है ऑप्टिमम पीएच पे। तो अगर हम वायरस को देखेंगे तो वायरस में भी जस्ट प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीएच का अफेक्ट वायरस पे पड़ेगा। अब देखें वायरस अगर हाई पीएच है, अगर पीएच ज़्यादा है, पहले हम इसका फेवरेबल देख लें कि किस पे ये काम करता है, वो है 7.2 से लेके 8, ये इसकी फेवरेबल पीएच है, इस पे ये काम अच्छा करता है, मीन्स एक्टिव होता है। वायरस क्या होता है, एक्टिव होता है किस पे, 7.2 से लेके 8 पीएच। अगर 7.2 और 8 से अगर पीएच कम होगी तो ये हार्मफुल हो जाएगी, ये डैमेज कर देगी वायरल के स्ट्रक्चर को, जो कि हार्मफुल कितनी है, 5.0 से लेके 5.5 और उससे भी हाई, मीन्स जो इस रेंज में नहीं आ रही फेवरेबल रेंज में, वो है 6.5 पीएच। अब इसमें क्या होगा कि लिपिड डैमेज हो जाएगा और लिपिड हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक जैसे कि ये जो पीएच है, हाई पीएच जो हम घरों में डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं या सैनिटाइज़र जो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, ये वायरस को निकाल देते हैं कपड़ों में से या हाथ हम साफ करते हैं उनमें से। जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, डिटर्जेंट्स है, सैनिटाइजर्स हैं ऑफ अल्कलाइन इन नेचर, दैट डी जनरेट इट्स स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रॉय द वायरस, वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर हम नॉन एनवेलप्ड वायरस की बात करें तो ये डिस्ट्रॉय तो नहीं होते, मगर इनकी रिप्लिकेशन जो एबिलिटी है वो अफेक्ट होती है, डिटर्जेंट्स या सैनिटाइजर्स या जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो इनको डिस्ट्रॉय नहीं करते, मगर इसकी रिप्लिकेशंस जो है वो रुक जाएगी, मीन्स ये अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आज हमने पढ़ा है वायरस का सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप पूछें, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू।